तरह से आप इस जिम्मेदारी को आप ले रहे हैं और जो परंपरा है इस मठ की और जो सनातन परंपरा उसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए सनातन परंपरा अरे आईडी मूव यार, अरे आईडी हम हटाओ ना, अरे आईडी गुरुदेव किस तरह से मठ का संचालन करते थे, किस तरीके से आनंद भाई का आचार व्यवहार उनका रहता था, लोगों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। और मैं तो यहाँ यही चाहूँगा किसे और आगे बढ़ाने की चेष्टाएं करो, अपना प्रयत्न करता रहूँगा। कैमरे में और आगे जाइए आप, प्रेम से भोजन पाए उनको रुकने की जरूरत। अरे भैया आप तो झूम कर लोगे ना, टाइम पर भैया पीछे कर लो, संजीव भैया पीछे कर लो भैया, इसके वो जीवन यापन करते हैं, जिसके मैं अपनी तरफ से पूरी चेष्टाएं करूँगा वो आगे बढ़ाऊँ। गुरुदेव ने जिस तरीके से इस मठ को आगे बढ़ाया, सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, तो मेरा हमेशा से प्रयत्न रहा सनातन धर्म को उच्च कोटि पर रखने का। गुरुदेव ने यह किया और मैं उनका ही अनुसरण करूंगा और इसको अनुसरण करूंगा। आईडी देखो अपना, मठ की जो संपत्तियां उनको किस तरह बढ़ाएंगे सजोएंगे आगे, आईडी नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, अपनी मेहनत से या कर्म से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्या मेरा यह विशेष ध्यान रहेगा कि किसी तरह का उसमें कोई आपत्ति या कल के दिन कोई विद्रोह न होना है, थोड़ा नीचे स्वामी बलबीर गिरी जी को यहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। जो नरेंद्र गिरी जी महाराज की इच्छा थी उसी के अनुरूप ये सारा कार्यक्रम चला है और हमने भी उनके लिए कहा है कि आगे और उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि करो और गुरु का नाम रोशन करो। पर क्या कार्यक्रम था आज सुबह, पहले क्या हुआ उसके बाद? पहले संतों के प्रवचन हुए, श्रद्धांजलि हुई, सबने अपने अपने वक्तव्य दिए और सबने उनके प्रति श्रद्धा के फूल नमन किया उनको। उसके बाद फिर अभी पटाभिषेक के बाद अभी भोजन भंडारा होगा। ठीक है, अब मतलब वो लेटे हुए बजरंगबली का मंदिर भी और पूरे 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 जितने भी इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी मठ हैं और मंदिर हैं सबके वो उत्तराधिकारी हैं। अच्छा, यहाँ समाधि स्थल है, वहाँ उन्होंने पूजा भी किया है, नमन भी किया है अपने? जी जी, अपने गुरुओं को कौन नहीं नमन करता है, जो शिष्य है अच्छा शिष्य है वो तो गुरुओं को हमेशा ऊपर उठाता है ना। क्या वो मठ के उत्तराधिकारी के साथ ही निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष भी बना? नहीं नहीं, ये उनके आंतरिक विषय है निरंजनी अखाड़े का, लेकिन मठ के तो जूना मठ के जूना अखाड़े ने निरंजनी पूरे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के पद के लिए दावेदारी ठोकी है कि उन्हें अभी ऐसा नहीं है, अभी 13 अखाड़े जब इकट्ठे नहीं होंगे तब एक आदमी थोड़ी ना अपने आप अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है महाराज।